सरायकेला में रथ यात्रा की धूम। चांडिल में भव्य रथ यात्रा में उमड़ी भीड़। गाजेबाजी के साथ जगन्नाथ महाप्रभु पहुंचे मौसीबाड़ी। आज चांडिल स्थित मठिया आश्रम से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तीन अलग अलग रथों पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी मठिया आश्रम से निकले। आश्रम से मेन रोड होते हुए चौक बाजार से सीधे स्टेशन स्थित मौसीबाड़ी तक पहुंची रथ यात्रा से पहले मठिया आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा अर्चना की गई। वहीं अटका महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजक सह जूना अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि वर्षों से चांडिल मठिया आश्रम से रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। यहां बड़े आकर तथा भव्य रथ निर्माण करवाने की तैयारी है, लेकिन मेन रोड पर अव्यवस्थित ढंग से बिजली के तार होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि बिजली के तार सुव्यवस्थित ढंग से लगाए जाएंगे तो बड़े आकार के रथ का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चांडिल बाजार के नाली सफाई पर ध्यान देना चाहिए था, मजबूरन गंदे पानी से होकर ही रथ यात्रा निकालनी पड़ी। इस मौके पर महंत विद्यानंद सरस्वती, आसू केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, कार्तिक महतो, मधुसूदन गोराई, अनिता पारित, सुखराम हेमरम, तरुण डे, विशाल चौधरी, राकेश वर्मा, खगेन महतो, दुर्योधन गो, महंत इंद्रानंद सरस्वती, महंत केशवानंद सरस्वती, बॉबी जलान, आशीष कुंडू, सपन साव, नंदिता चक्रवर्ती, दिवाकर सिंह, राजेश पसारी, नवीन पसारी आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चांडिल से सुमंगल कुंडू की रिपोर्ट। प्रभु का प्रातः हम लोग मंत्रोच्चारण द्वारा उनका आरती पूजा किए। इसके बाद अटका प्रसाद जो है, क्योंकि आज दाल चावल सब्जी बनता है, क्योंकि महाप्रभु का मुख्य भोग जो है ना चावल होता है। तो बोलते हैं ना कि जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ। आज वही दिन है कि सबको जो है ना प्रसाद कराया गया और आज अपने मौसीबाड़ी के लिए जो है ये प्रस्थान है। 28 तारीख के दिन फिर मौसीबाड़ी से पुनः अपने आ करके गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। मठ में तो सैकड़ों साल हो गया है, ये तो परंपरा हमारा जो है यहाँ से, यहाँ का परंपरा सैकड़ों साल का। पहले एक रथ चलता था, उसके बाद अभी तीन रथ जो है ना तीन रथ चल रहा है। आगे भविष्य में फिर दूसरा जो है ना, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर तार के लेकर के जो है, नहीं तो हम यहाँ पर बड़ा रथ बनाने का हो रहा था, काफ़ी यहाँ परेशानी हो तार के चलने, नहीं तो हम भव्य रथ बना करके जो है ना ऐसे प्रोग्राम है जो अच्छा से अच्छा रथ बना के यहाँ चलाएंगे। जगन्नाथ इसके पहले भी हम लोग मांग किए थे, मगर प्रशासन तो कान में अपना रुई लगा करके सोया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम लोग तो NH क्या है, NH 32 है, इसको अगर हम लोग जाम कर देते हैं तो जनता की परेशानी है। तो हम तो जनता को भी देखना है, क्योंकि भीषण गर्मी चल रहा है, कहाँ से कहाँ जनता इसी रोड से, यही मात्र रोड है। नहीं तो हम लोग रथ को जो है ना हम लोग रोड पर ही खड़ा कर देते हैं, ऐसे हम लोग पारे नहीं करते। मगर जनता को देखते हुए हमको जो है ना ये कदम उठाना पड़ा कि भाई चलो, और किसी तरह से उसी में पार करना है।